रहमतुल्लाहि वबरकातहू। आज MLA नामपली जनाब माजिद हुसैन साहब का मुझे फ़ोन आया और मेरे साथी कॉर्पोरेटर मूसा भाई आसिफ नगर उनको भी कॉल आया। यहाँ पर एक फायर इंसिडेंट हुआ जिसमें अलहमरा फर्नीचर में आग लग गई, उसकी वजह जो है शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है, मगर ओनर साहब का कहना ये है कि उन्होंने मेन ऑफ किया था, उसके बावजूद भी ये शॉर्ट सर्किट का हादसा आया सामने। तो इंशाल्लाह उसके ऊपर डिटेल इन्वेस्टिगेट कर रहे ऑफिसर्स। यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर के जो है DCP साहब और ACP साहब भी यहाँ पर मौजूद है और मेरे साथ यहाँ के तमाम इब्तदाई सुदूर मोहतमद मौजूद है और यहाँ पर जो पहले कॉल करके इतला देने वाले मतीन साहब भी यहाँ पर मौजूद है। तमाम ने इसमें जो है हाथ बढ़ाया और जिससे जो मदद हो सकती है उसको किया और मैं इन तमाम अलहमरा फर्नीचर के जो कस्टमर्स है मैं इनसे अदबन गुजारिश करता हूँ कि बहुत बड़ा हादसा हुआ है, तो जो है आप तमाम से ये गुजारिश है कि इन्हें फोर्स मत करिए क्योंकि इनका काफ़ी नुकसान हुआ है, तकरीबन 12 लाख का नुकसान हुआ है। तो इंशाल्लाह हम जो है इसकी नुमाइंदगी करेंगे और जो कुछ भी यहाँ पर नुकसान हुआ इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि हम कुछ ना कुछ इनको राहत दिलाएं। और मेरी तमाम कस्टमर से गुजारिश है कि आप इन्हें टाइम दीजिए, वक्त दीजिए, क्योंकि अभी जो है बहुत हैबत में है, वो एक शौक में है क्योंकि उनका पूरा कारोबार जल चुका है। तो मैं आप तमाम से जो है अदबन गुजारिश करता हूं और यहाँ के तमाम इब्तदाई सदूर मोतमदीन यहाँ पर जो आकर सामने आग की जो है उसमें जाकर जो है बचाए, कई सारी चीज़ों को बचाए, मैं उनका भी तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ और आप मीडिया कवरेज का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, फायर डिपार्टमेंट का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग तमाम ने यहाँ पर आकर और वक्त पर जो है आग को बुझाने का काम किया। और हम इनके साथ अलहमरा फर्नीचर का ओनर जो है हमारे साथ फैजान साहब मौजूद हैं, हम इनके साथ इनके बुरे वक्त में हम ठहरे हुए हैं, हम नहीं बल्कि MLA जनाब माजिद हुसैन साहब भी इनके साथ हैं। तो इंशाल्लाह ताला हम बहुत जल्द जो हो सकता हम ज़रूर करेंगे, मगर अच्छी बात यह है कि यहाँ पर कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है, माली नुकसान हुआ है, अल्लाह का करम है कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। आग जो है पीछे रेसिडेंशियल मकान थे उसमें भी आग नहीं पहुँची। तो मैं आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं दुआ करता हूँ कि इंशाल्लाह जो नुकसान हमारे फैजान भाई का हुआ इंशाल्लाह बहुत जल्द उसकी भरपाई हो जाएगी इंशाल्लाह।